assalamu alaikum everyone welcome to You You learn english with easy lessons in this lesson i'm going to teach you advanced english vocabulary words for competitive exams uh, these advanced english vocabulary words are also useful for those who are not preparing for any uh, competitive exams because these words will help you to build your vocabulary bank so let's begin our first advanced english vocabulary word is adroit adroit is an adjective and it means a skillful expert koi insaan wo kisi baat kisi subject matter mein uh, किसी भी चीज़ में अगर वो बड़ा एक्सपर्ट है बड़ा स्किलफुल है तो उसको एड्रॉइड कहेंगे उसको कि बड़ा एक्सपर्ट है वो इसमें ठीक है कोई डॉक्टर है वो बड़ा एक्सपर्ट है तो आप उसको एक एड्रॉइड डॉक्टर कह सकते हैं किसी भी डॉक्टर्स की भी जाहिर बातें आ गई ब्रांचेज होती हैं कोई मैथमेटिशियन है वो बड़ा मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट है तो उसको उसको भी आप एड्रॉइड कह सकते हैं अच्छा इसको स्किल्स जो स्किल्स होती हैं डिफरेंट किस्म की जैसे कोई रिप्लाई देना जैसे कोई कोई इंसान जो है वो बड़ा ही क्लेवर किस्म का होता है ये क्लेवर के मीनिंग में भी यूज़ होता है ये वर्ड के कोई रिप्लाई इस तरह का देना आ, कोई जो है आ, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट देना जहाँ पर आपने बड़ा बड़ा जो ना क्लेवर किस्म का बहुत स्मार्ट किस्म का आंसर दिया है तो वहाँ पर भी एड्रॉड यूज होता है कि बड़ा ही एड्रॉइड uh, मतलब रिप्लाई था तुम्हारा या बड़ा ही एड्रॉड रिस्पॉन्स था तुम्हारा ठीक है जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन होती है ना वहाँ पर कोई इंसान बड़ा सोच समझ के बड़ा क्लेवर किस्म का जो है ना आंसर दे या क्लेवर uh, किस्म का रिप्लाई दे ठीक है तो उसको भी एड्रॉइड रिप्लाई कह सकते हैं ठीक है या एड्रॉइड रिस्पॉन्स कह सकते हैं या एड्रॉइड स्टेटमेंट कह सकते हैं एड्रॉइड कमेंट कह सकते हैं ठीक है थीके? तो ये दोनों सेंस में यूज होता है कि कोई बड़ा स्किलफुल है एक्सपर्ट है और कोई बहुत ही स्मार्ट जिसको हम स्मार्ट कहते हैं ना कि बड़ा ही स्मार्ट है कि उसने उस बड़ा क्लेवर किस्म का है ठीक है तो ये ये इन सारे सेंसेस में जो वर्ड एड्रॉइड है ये यूज होता है जैसे कि मैंने इसके जो दो सेंटेंसेज बनाए कि अली इज एन एड्रॉयड बिजनेसमैन ठीक है बिजनेसमैन जो है मतलब बिजनेस रन करने के लिए यू नीड एक्मेंट ठीक है कि आपके पास बिजनेस होना चाहिए एक्यूमेट क्या है कि उसका नॉलेज होना चाहिए इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए आप राइट right डिसीजन ले सकें तो अगर किसी इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो बिज़नेस रन कर सकता है उसको बिज़नेस की बड़ा इन डेप्थ नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग है उसको और वो राइट right सिचुएशन में राइट right डिसीजन ले सकता है बिज़नेस को आगे बढ़ाना जानता है कि कैसे करना तो वो बहुत एड्रॉइड है ठीक है एड्रॉइड बिजनेस मैन है एक्सपर्ट है वो इस चीज़ में उसको मालूम है स्किलफुल है वो इस चीज़ में ठीक है इसी तरह से ईशी इज़ एड्रॉइड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कोई भी कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी भी फील्ड की हो सकती हैं मैथ्स uh, की हो सकती हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं और वो बड़ी एड्रॉइड है उसको सॉल्व करने में ठीक है बड़ी स्किलफुल है बड़ी एक्सपर्ट है उसको सॉल्व करने में ठीक है जी अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी मेलाड्राइट अब इसको आप एड्रॉइड मैंने आपको बताया उसको समझ लीजिए कि को कोई एक्सपर्ट है एक्सपर्ट से आप जो है ना वो उस उस वर्ड को याद कर लीजिए अब ये जो मेलाड्राइट है इसको आप उसका ऑपोजिट समझ लीजिए ठीक है तो एड्रॉइड है तो वो बहुत एक्सपर्ट है तो जो मेलाड्राइट होगा वो एक्सपर्ट नहीं होगा ठीक है वो बहुत ही जो है ना वो क्लमजी किस्म का इंसान है हैंडल सिचुएशंस बैडली ठीक है कोई इंसान जो कि ज़ाहरी बात है अगर कोई बहुत स्किलफुल है बहुत क्लेवर है तो वो सिचुएशन को अच्छे तरीके से जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई किसी सिचुएशन कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है किसी ने आपसे बड़ा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपने उसका बड़ा स्मार्ट आंसर दिया है तो आप वो आंसर आपका एड्रॉइड है यू आर बीइंग एड्रॉइड ठीक है लेकिन अगर कोई इंसान है उसको सिचुएशन हैंडल करना नहीं आई उसने ठीक सिचुएशन हैंडल नहीं की ठीक है तो वो इंसान जो ना वो मेलाड्रॉइट है ठीक है कि उसको वो बड़ा क्लमज़ी किस्म का क्लमज़ी भी ऐसा ही इंसान होता है जो कि जो इधर गिरता पड़ता है चीज़ों को बिखेर देता है चीज़ों को ठीक नहीं रख क्लमजी इंसान इस तरह का होता है जो बड़ा जो ऑर्गेनाइज नहीं होता है जो इंसान ऑर्गेइज ना ना हो उसको क्लमज़ी कहते हैं तो किसी सिचुएशन में कोई इंसान जो है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं है उसको समझ नहीं है कि मैंने सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है तो वो क्लमजी हो गया वो मेलाड्रॉइट भी हो गया मतलब एक्सपर्ट नहीं है उसके अंदर स्किल्स नहीं है वो स्मार्ट नहीं है इंटेलिजेंट नहीं है ठीक है जी तो वो मेला है जैसे कि सेंटेंस है यू हैंडल द सिचुएशन इन अ मेला वे कि तुमने सिचुएशन बहुत ही खराब तरीके से जो ना वो हैंडल की है वो ऑफिस की सिचुएशन हो सकती है वो घरेलू जिंदगी की सिचुएशन हो सकती है दो फ्रेंड्स के दरमियान में सिचुएशन हो सकती है ठीक है वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है अगर किसी इंसान ने अच्छे तरीके से उसको हैंडल नहीं किया है स्मार्ट वे में हैंडल नहीं किया है तो उसने मेला वे में हैंडल किया है उसको ठीक है जी Next, word is assertive. Assertive is an adjective, and it means confident, forceful. जो बहुत कॉन्फिडेंस है उसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है ठीक है वो कॉन्फिडेंट किस्म का इंसान है और फोर्सफुल है फ़ोर्सफुल से मुराद ये कि जो चीज़ उस इंसान को चाहिए ना वो उस चीज़ को हासिल करके छोड़ता है आप देखिएगा कैसे लोग होते हैं जिन जो उनको मालूम होता है कि हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए और वो 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 उसको फिर बड़ा फोर्सफुली दूसरों तक कन्वे भी करते हैं कि भाई ये मेरी डिमांड्स हैं अगर मेरे साथ चलना है तो ऐसे चलना है ठीक है तो इस तरह के लोग बहुत अज़र्टिव किस्म के होते हैं

हो जाएगा ठीक है उस एग्जाम्पल को जहन में रखिएगा तो जो कॉन्फिडेंट होते हैं और जो जिंदगी में उनको चाहिए होता है वो दूसरों से फ़ोर्सफुली उस चीज को हासिल कर लेते हैं उन्हें दूसरों को इस तरह से हैंडल करना आता है कि वो उस चीज को हासिल कर सके तो इस टाइप के जो लोग होते हैं इनको आप अजर्टिव कहते हैं तो इसका सेंटेंस भी मैंने उसी हिसाब से बनाया है कि वी नीड समिव फॉर दिस जॉब जैसे सेल्स मैन की अगर कोई जॉब है या कोई और भी जो कोई जॉब इस तरह की हो सकती है कि जहाँ पर आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो और जो उस जॉब को हासिल कर सके लोगों को कन्विंस करने की उसके पास पावर हो कि वो उस जॉब को कैरी आउट कर सके ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी डिफिडेंट आप जैसे मैंने अजर्टिव बताया कि अजर्टिव एक इंसान ऐसा होता है कि जो कॉन्फिडेंट होता है जो बड़ा फोर्सफुल होता है उसको मालूम होता है कि ये चीज़ मुझे ये मैंने अपना काम करवाना है दूसरे से तो कैसे करवाना है ठीक है वो तो अजर्टिव हो गया तो उसका ऑपोजिट समझ लीजिए कि डिफिडेंट होता है ऐसा इंसान जो शाए होता है और जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कॉन्फिडेंस की कमी होती है ठीक है तो जो जिस इंसान में आपको लगे जिस इंसान में आपको बहुत कॉन्फिडेंस नजर आए वो एजर्टिव है जिस इंसान में आपको कॉन्फिडेंट नजर ना आए तो वो फिर डिफिडेंट है ठीक है वो शाई है, है वो हैजिडेंट होता है हिचकिचाता है वो ठीक है तो इसी तरह से मैंने सेंटेंस लेकर अब जो शाई किस्म के लोग होते हैं ना जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है आप देखिएगा कि लोगों के बीच में ना उनके लिए मतलब सोशलाइज करना उनके लिए मुश्किल होता है ठीक है तो मतलब वो, तो वो कह रही और ये हम सबके साथ किसी ना किसी सिचुएशन में हो भी जाता है कि इन सम समचुएशन वी फील डिफिडेंट कि हमें लगता है कि जैसे यहाँ पर हम हम जो है ना इस सोशल गैदरिंग में किसी भी टाइप की कोई हो सकता है कोई स्पेसिफिक किस्म की हो सकती है कि यहाँ पर हम जो है ना इतने कॉन्फिडेंस जो ना वो फील नहीं कर रहे हैं ठीक है हम थोड़ा शाए फील कर रहे हैं हेजिडेंट फील कर रहे हैं यहाँ हमें कॉन्फिडेंस लग रहा है अपना कि हम लैक कर रहे हैं ठीक है तो वहां पर हम डिफिडेंट हो रहे होते हैं कुछ लोगों की तो ओवरऑल पर्सनैलिटी ही डिफिडेंट होती है ऑब्वियसली फिर इस पर काम करने के कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े शाये होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस है, तो फिर जाहिर है उनको फिर पर्सनैलिटी बिल्डिंग की जरूरत होती है ठीक है तो डिफिडेंट ठीक है समटाइम्स हम कॉन्फिडेंट होते भी हैं लेकिन सम सिचुएशंस में वी कैन बिहेव एज अ डिफिडेंट ठीक है कि हम एक मतलब शाये इंसान की तरह बिहेव कर सकते हैं अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी एज्यूलेट एज्यूलेट इज अ वर्ड एंड इट मीन्स टू प्रेज और एडमायर समवन या समथिंग ठीक है किसी चीज की लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए एज्यूलेट वर्ड यूज होता है ठीक है किसी इंसान की बहुत तारीफ़ करना इसको खुशामद में भी ले लिया जा सकता है इस वर्ड को ठीक है कि बहुत खुशामद करना या बहुत तारीफ़ करना आपको पॉजिटिव सेंस में भी इस वर्ड को यूज़ कर लेते हैं और खुशामद थोड़ा नेगेटिव में चला जाता है तो उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज़ किया जाता है ठीक है जी तो हिज वर्क इज़ बंग एजुलेट मतलब उसका काम जो है उसकी बहुत तारीफ़ की जा रही है ठीक है किसी कोई कोई भी इंसान हो सकता है उसका कोई भी काम हो सकता है कोई राइटर हो सकता है कोई पेंटर हो सकता है कोई म्यूजिशन हो सकता है उसने जितना भी अब आज तक काम किया है तो उसके काम की तारीफ हो रही है ठीक है तो उसका काम जो है उस, वो एजुलेट किया जा रहा है उसकी तारीफ हो रही है नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी कैस्टिगेट कैस्टिगेट जैसे मैंने एजुलेट बताया है कैजुलेट क्या है किसी की तारीफ करना बहुत ज्यादा ठीक है तो उसी का जो ना पॉजिटिव ऑपोजिट समझ लीजिए पॉजिटिव कह रही हूँ ऑपोजिट समझ लीजिए उसका ऑपोजिट क्या होता है जो मतलब उसका एंटो समझ लीजिए कैस्टिगेट है तो क्या मतलब इसका टू क्रिटिसाइज समवन टू फ्रेज समवन इज टू एजुलेट समवन और टू क्रिटिसाइज समवन इज टू कैस्टिगेट समन ठीक है जी ये उसका ऑपोजिट हो गया उसका एंटोनेम हो गया इसी तरह से देख लें कि मैंने इसका सेंटेंस भी उसी हिसाब से बनाया था रिपोर्ट वॉज नॉट अप टू द मार्क एंड द बॉस कैस्टिगेटेड मी ठीक है कि ऑफिस में कोई रिपोर्ट बनाने को बॉस ने कहा रिपोर्ट जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी मतलब कि जो रिक्वायरमेंट थी उस रिपोर्ट की कि उसमें ये सब कुछ होना चाहिए उस लेवल पर नहीं थी रिपोर्ट ठीक है रिपोर्ट जो थी वो वीक थी या अच्छी नहीं बनाई गई थी तो बॉस ने क्या किया बॉस ने कैस्टिगेट किया बॉस ने क्रिटिसाइज़ किया ठीक है उसने प्रेज नहीं किया आपके काम को उसने आपके काम की तारीफ नहीं की बल्कि क्रिटिसाइज किया कि काम अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए अगर काम अच्छा होता तो बॉस क्या करता है एजुलेट करता आपको लेकिन चूंकि काम अच्छा नहीं है तो बॉस ने क्या किया कैस्टिगेट किया बस इससे आप इसको इन दोनों वर्ड्स को आप याद रख लीजिए ठीक है जी नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी बोनाफाइड अच्छा इसकी जो प्रोनौनसेशन है ना इसकी प्रोनाउंसिएशन दो तीन टाइप्स की है बोनाफाइड भी इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, है और बोनाफाइडी भी इसकी प्रोनाउसिएशन होती है ठीक है ब्रिटिश अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें तो बोनाफाइड का जो बोनाफाइड भी करेक्ट है इसकी प्रोनाउंसिएशन बोनाफाइडी भी होता है कुछ लोग से भी प्रोनाउंस करते हैं ठीक है थीके? तो इस बोनाफाइट भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो जेनुअन है रियल है ऑथेंटिक है ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल जेनुअन है रियल है उसमें किसी किस्म की कोई भी गड़बड़ नहीं है तो वो चीज़ जो है ना वो बोनाफाइड है ठीक है वो चीज़ करेक्ट है रियल है ऑथेंटिक है जेनुइन है ठीक है जी जैसे कि दिस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बोनाफाइड यू कैन डोनेट हियर, ठीक है क्योंकि कुछ चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या कॉजेज़ होते हैं अक्सर वहाँ पर मतलब कि डिसप्शन होता है लोग पैसा खा जाते हैं ठीक है वो इतनी मतलब जैन नहीं होती है अगर आपने कहीं पर रिसर्च किया और कोई आपको जो भी चैरिटी की कोई भी कॉज आपके सामने आई है आपने रिसर्च किया और आपको नज़र आया कि नहीं नहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना जो भी ये चैरिटी वगैरह कर रहे हैं जो भी ये काम कर रहे हैं जिस भी कॉज पर ये काम कर रहे हैं ये ऑथेंटिक है जेनवन है ये रियल में काम कर रहे हैं रियल में वो पैसा जो है आ, उस कॉज पर जो है वो लग रहा है किसी किस्म की इसमें डिसप ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोनाफाइड कह लें या बोनाफाइडी कह लें ठीक है या बोनाफिडे भी इसकी एक प्रोनान्िएशन है तो इसके दो तीन प्रोनन्सिएशन हैं इस वर्ड की ठीक है जी तो ये बोनाफाइड है ठीक है जी अब यहाँ से इसी का ऑपोजिट समझ लीजिए मेलाफाइट ठीक है इसी तरह से जैसे बोनाफाइड के मैंने आपको बताया ना दो तीन प्रोनान्िएशन है ऐसे मेलाफाइट के भी दो तीन है मेलाफाइड या मेलाफाइडी ऐसा करके जो है ना इसकी मतलब के प्रोनउसिएशन uh, है ठीक है अच्छा ये बोनाफाइड का मेलाफाइट जो है वो उसका ऑपोजिट है Yeah. जैसे मैंने बोनाफाइड के बताया कि कोई चीज़ जेनुन है ऑथेंटिक है तो वो बोनाफाइड है और कोई चीज़ फॉल्स है इलीगल है जेनवन नहीं है अनरियल है मतलब उसमें डिसेप्शन है उसमें किसी किस्म का कोई धोखा है उसमें कोई टेम्परिंग हुई है जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेलाफाइड होते हैं मेलाफाइड का मतलब ये कि वो इलीगल uh, है या वो uh, गलत डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है ठीक है तो दीज डॉक्यूमेंट्स आर मेलाफाइड मतलब कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो रियल uh, नहीं है मेलाफाइड है uh, इनकी टेम्परिंग की गई है यहाँ यहाँ इनको मतलब के मतलब तैयार ही पूरे ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फॉल्स हैं इलीगल हैं रियल नहीं है जेनवन नहीं है ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट है जी एक्सीड एक्सीड uh, जो है ये वर्ब है और इसका मतलब ये होता है टू अग्री समवंस डिमांड और रिक्वेस्ट किसी के साथ किसी की कोई डिमांड है कोई रिक्वेस्ट आपके सामने है आपने उसको कबूल कर लिया उसकी डिमांड्स को ठीक है ठीक है जी आपको दे देंगे ये चीज़ ठीक है uh, तो आपने एक्सीड किया है उसकी डिमांड्स ठीक है uh, जैसे कि आई डाउट दैट अथॉरिटीज़ विल एक्सीड टू आर डिमांड्स ठीक है कि हम मुझे मतलब शक है कि अथॉरिटीज हमारी जो डिमांड्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटीज़ हो सकती हैं किसी भी जगह की ठीक है या कोई हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो सकती हैं कि वो हमारी डिमांड्स जो है ना वो उससे राजी हो जाएंगे वो मान जाएंगे हमें देने के लिए ठीक है तो वो एक्सीड कर जाएंगे आपकी आपकी डिमांड को अगर नहीं करते हैं तो वो रिनाउंस कर देंगे इनकार कर देंगे ऑपोजिट है उसका एंटोनेम है उसका ठीक है जी जैसे कि टू गिव अप क्लेम रैंक और टाइटल गिव अप का मतलब ये है रिनाउंस कर देना मतलब आपने छोड़ दिया कोई क्लेम कोई क्लेम है आपके किसी की रिक्वेस्ट है उसी से समझ लीजिए देखिए एक्सीड होता है किसी की रिक्वेस्ट को मान लेना किसी की डिमांड को मान लेना ठीक है और रिनाउंस होता है आपने अपना कोई क्लेम है आपका अपना कोई रैंक है आपका अपना कोई टाइटल है आपने उसको छोड़ दिया उसको गिव अप कर दिया आपने कहा मुझे नहीं चाहिए ठीक है एक्सीड हमेशा याद रख लीजिएगा दूसरे की डिमांड्स को आप मानते हैं रिनाउंस जब आप करते हैं तो आप अपना ही कोई कोई डिमांड होती है अपनी ही कोई बात होती है जिससे आप पीछे हट जाते हैं आप गिव अप कर देते हैं ठीक है अपना कोई क्लेम होता है कुछ भी होता है तो आपने रिनाउंस कर दिया है जैसे कि आई वॉन्ट माई एक्स हसबेंड टू रेनाउंस हिज क्लेम टू दिस प्रॉपर्टी ठीक है जब डिवोर्स वगैरह होती है ना तो अक्सर प्रॉपर्टीज़ पे झगड़ा वगैरह होता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है तो कोई वाइफ कह सकती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो एक्स हस्बैंड है ना वो रेनाउंस कर दे मतलब कि वो खुद ही जो है ना वो अप कर दे इस प्रॉपर्टी का जो क्लेम है ताकि ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए ठीक है वो खुद ही पीछे हट जाए इस प्रॉपर्टी के क्लेम से ठीक है जी ओके जी फ्रेंड्स यहाँ पर लेसन खत्म होता है आई होप कि ये लेसन इंटरेस्टिंग था आपके लिए आपने कुछ नया सीखा है बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में